भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं श्री मद्भागवत रहस्य में से श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। सूत जी कहते हैं कि सात ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूं। सात दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली क्योंकि ये निश्चय था कि ठीक सातवें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो सात दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रभाव और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों तभी ये कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में चले गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे, और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं, पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसे हुए हैं। जब तक ये आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वो जहाँ बैठा है वहीं मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और ना भी आए तो भी क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे न सका परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने नहीं माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वो नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासनाओं पर नियंत्रण न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाएं, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ जाना है उसी की फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वो भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ये भागवत कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न करें तब तक संसार का अंत होने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक ग्रस्त के पुत्र का अवसान हुआ। ग्रस्त रोता है,
उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई। वो उसके लिए रोने लगा। साधु को रोते हुए देखकर उस ग्रस्त ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था, पर बकरी तो मेरी थी, इसलिए रोता हूं। ऐसा परोपदेश पंडितम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो, मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु को एक दो बार याद करते रहो, शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार रोज नहीं करता, जबकि भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत आए महात्म्य का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार संत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़कर विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा।